किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि संतरे की खेती में आप बिना ड्रिप के पानी कैसे दे सकते हैं। ये आप जो सामने वीडियो में देख पा रहे हैं ये हमारे 1.5 एकड़ का संतरे का प्लॉट है जो कि लगभग इसको 4 साल से ऊपर का समय हो चुका है और अभी इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें अभी संतरे लगे हुए हैं। और साथियों इसको इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई और ना ही इसमें कोई ड्रिप सिस्टम लगाया है। अभी सिर्फ इसको देसी विधि से ही पानी इसको दिया जाता है और आप देख पा रहे हैं संतरे किस प्रकार से इसमें लग रहे हैं। तो साथियों मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसमें पानी कैसे दे सकते हैं आप। जैसे कि अभी इसमें संतरे में रो से रो की दूरी यानी कि इस रो से इस रो की दूरी है लगभग 12 फीट और संतरे से संतरे की यानी पौधे से पौधे की दूरी इसमें 12 फीट है और वो इसको लगाने का कारण ये है यानी कि इतनी डिस्टेंस पे इसको लगाने का कारण ये है कि इसमें लेबर खर्च कम आए और इसको मेंटेन आसानी से किया जा सके। यानी कि अगर आप बड़े ट्रैक्टर से भी इसको मेंटेन करें तो आसानी से इसको मेंटेन कर पाए। वो कैसे साथियों मैं बताता हूँ कि इसमें अभी हमने ड्रिप सिस्टम कोई लगाया हुआ नहीं है क्योंकि उस समय जब ये बगीचा लगाया था तब थोड़ा ड्रिप सिस्टम थोड़ा हमें महंगा लग रहा था और ड्रिप सिस्टम का नॉलेज ना होने के कारण इसमें ड्रिप सिस्टम लगाया नहीं और चाहे तो आज भी लगा सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब इसको जो फ्लड इरिगेशन से हम पानी देते आ रहे हैं वैसे इसको आगे भी पानी दिया जाएगा और फ्लड इरिगेशन से इसमें पानी देने के लिए हमारा जो ट्रैक्टर होता है ट्रैक्टर से इसमें खड़ी और आड़ी जुताई 2 बार प्लो से कर ली जाती है इससे अपने ट्रिलर से और उसके बाद इसमें बीच में क्यारे बना दिए जाते हैं। जैसे कि एक डोरी ये दिख रही है आपको एक डोरी ये दिख रही है तो दोनों साइड क्यारी बना दी जाती है इस रो में और पास वाली रो में तो क्यारी बन जाती है। तो साथ ही साथ इसमें ये जो पौधे हैं पौधे के साथ साथ में भी आप क्यारी बन जाती है आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इस प्रकार से जो बीच में क्यारा बनाते हैं तो छोटी छोटी क्यारियाँ इसमें पौधों में बन जाती है और इसको आसानी से पानी दिया जा सकता है। तो साथियों ये है बिना खर्च के बिना ड्रिप के इसको पानी देने का सिस्टम जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपको कैसा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देख पा रहे हैं संतरे भी काफ़ी ठीक मात्रा में यानी अच्छी मात्रा में लगे हुए हैं। ये साथियों 4 साल का प्लॉट है और इस साल इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अभी तक इसमें पिछले साल भी संतरे आए थे बाकी इतनी हार्वेस्टिंग की नहीं थी मार्केट के लिए और इस साल की हार्वेस्टिंग मार्केट के लिए होगी। आप देख पा रहे हैं संतरे भी काफ़ी ठीक ठाक लगे हुए हैं। तो साथियों यही थी छोटी सी जानकारी कि आप बिना ड्रिप के आप संतरे के या फिर अमरूद के पौधों में पानी कैसे दे सकते हैं। बस इसका यही कारण है कि आपको थोड़ा पौधे को डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा 12x12 पे आप लगा सकते हैं और एक समस्या इसमें ये आती है कि बड़ा फिर जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब क्या है कि इसमें बड़ा ट्रैक्टर चलाने में थोड़ी समस्या आ सकती है क्योंकि आप डाली देख पा रहे हैं डाली बीच तक आ रही है और उस पौधे की भी अगर डाली बीच में आती है तो फिर इसमें बड़ा ट्रैक्टर चलाने में थोड़ी समस्या होगी साथियों। तो साथियों वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी छोटी छोटी जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय जवान जय किसान।